हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ माइक्रोवेव के कुछ हैक्स और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मार्केट में अभी बहुत अच्छे अच्छे करेले आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए करेले के कुछ हैक्स और साथ में उसकी एक रेसिपी भी हम शेयर करते हैं। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन से हैक शेयर कर रही हूँ। तो हमको सबसे पहले लगेंगे करेले। तो करेले ले लिए हैं मैंने 400 ग्राम और इनका जो छिलका है ना, उनको हम छील लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह से छिलके अलग कर लिए हैं करेले के। अब हमें इन्हें इस तरह से कट कर लेना है गोल गोल। आप चाहें तो जो करेले के जो बीज हैं उनको निकाल सकते हैं, लेकिन इन जो मैंने करेले लिए थे उसमें बहुत कम बीज थे, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट इसी तरह से गोल गोल कट कर रही हूँ। और जो थोड़े बहुत करेले के बीज होते हैं जो पीछे साइड थे ना, वो हम इस तरह से कट करते हैं ना, तो वो खुद से ही निकल आते हैं। इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह से हम सारे करेले को छील के और कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे करेले को छील कर कट कर लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें ये सारे करेलों को शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो एक चम्मच भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से जो करेले का जितना भी कड़वापन होता है ना, वो निकल आता है। नमक ऐड करने के बाद इसे हम आधा घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुके थे और मैंने करेले को देखा तो इसमें से काफ़ी पानी निकल रहा था, मतलब हमारा जो करेले के जो कड़वापन है ना, वो इससे निकल आया है। तो अब एक मैं छन्नी लूँगी और जो करेले हैं ना उनको इसमें डाल दूँगी और उसका इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लूँगी, जिससे इसका जो भी कड़वापन है ना वो निकल जाएगा। ये देखिए मैंने पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने नल के नीचे ना इसे वॉश कर लिया है, तो इसका जितना भी कड़वा पानी था ना वो निकल गया। और अब हम ले लेते हैं एक माइक्रोवेव सेफ कंटेनर और उसमें ये सारे करेले को हमें इसमें डाल देना है। ये मुझे माइक्रोवेव के साथ ही कंटेनर मिले था, लेकिन यदि आपके पास इस तरह से ना हो तो आप जो कांच का आपके पास बाउल होगा तो आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें करेला डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने आधा कप करीब पानी डाल दिया है और अब इसको हम ढक देंगे और ढक के कुक करेंगे माइक्रोवेव में। ये रहा मेरा LG का माइक्रोवेव, लेकिन यदि आपके पास अदर कोई भी माइक्रोवेव है तो आप सेम रेसिपी उसमें फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड है वो सेट किया है, पावर मैंने हाई सेट किया है और 5 मिनट का टाइम लगा दिया है। मेरे माइक्रोवेव का जो पावर है वो 900 वॉट हाई है, तो मैंने उसको सेट किया है। आपके माइक्रोवेव का जो भी हाई पावर है आप उसको सेट कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लगाइएगा। आपने इससे यदि ज़्यादा टाइम लगा दिया तो जो करेले होंगे ना वो ज़्यादा गल जाएंगे। हमें करेलों को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा कुक करना है। और इस तरह से कुक करने से करेले में और भी जो थोड़ा बहुत कड़वापन रहता है ना वो भी चला जाता है, इसलिए हम इस तरह से कुक कर लेते हैं। और यदि आप चाहें तो इन्हें गैस पर भी 5 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं, पानी में बॉयल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुका था तो हम करेले निकाल लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारे जो करेले हैं 50% कुक हो चुके हैं। अब इनका जो पानी है हमें अलग कर देना है करेले का। मैं तो छन्नी में निकाल देती हूँ, जिससे जो सारा पानी है वो निकल जाएगा करेले का। ये देखिए इसके जितना भी पानी था ना वो निकल चुका है। और अब हम ले लेते हैं एक बेकिंग ट्रे, ये भी मुझे माइक्रोवेव के साथ ही मिली थी। तो अब मैं जो करेले हैं ना उनको इस बेकिंग ट्रे में डाल देती हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब ऑयल। इसे आज हम बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे। यदि हम करेलों को गैस पे फ्राई करने के लिए रखते हैं ना तो काफ़ी ऑयल लग जाता है, लेकिन इस रेसिपी में सिर्फ हमें 1 चम्मच ऑयल ही लगेगा। तो 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला देती हूँ। और उसके बाद अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव में। तो चलिए चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। और माइक्रोवेव के अंदर हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा रैक। तो यहाँ पर मैंने रखा है हाई रैक। हाई रैक रखने के बाद हम करेले रख देते हैं। देन उसके बाद अब हमें माइक्रोवेव का मोड सेट करना है। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव का ग्रिल मोड सेट कर रही हूँ और टाइम लगा रही हूँ 25 मिनट्स का। 25 मिनट्स में मैं बीच बीच में आपको जो करेले हैं ना उनको चलाते जाना है, जिससे कि जो अच्छी तरह से ग्रिल होंगे। ग्रिल होने पर ये वैसा ही उनका टेक्सचर हो जाता है, जैसे कि गैस पे हम फ्राई करते हैं ना करेले को, वैसे ही इसका टेक्सचर हो जाता है।
और ये बिल्कुल भी चीवड़ नहीं होते हैं। और यदि हम माइक्रोवेव में के जो माइक्रो मोड है यदि उस पर हम यदि करेले को कुक करते हैं ना तो वो थोड़े थोड़े से चुई जैसे हो जाते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें ग्रिल मोड पे इस तरह से कुक करते हैं ना तो ये बहुत अच्छी तरह से कुक होते हैं और इनका जो टेक्स्चर होता है ना एकदम जैसे हम करेले फ्राई करते हैं ना वैसा आता है। तो यहाँ पर मैंने बीच बीच में जो करेले हैं उनको चलाती जा रही थी। आपको 2 से 3 बार इनको चलाना है और जब 25 मिनट्स हो जाएंगे ना उसके बाद आप करेले को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यदि करेले आपको लगे कि नहीं अभी इनको और भी क्रिस्पी होना है तो आप थोड़ा सा टाइम को और भी बढ़ा सकते हैं, पर मैंने 25 मिनट्स में निकाल लिया था क्योंकि 25 मिनट्स में जो करेले हैं काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो चुके थे। ये देखिए कितने अच्छे तरह से जो हमारे करेले हैं वे क्रिस्पी हो चुके हैं। ये एक हमारे जो करेले के जो चिप्स होते हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको इसी तरह से थोड़ा सा नमक और अमचूर पाउडर मिला के खा सकते हैं, लेकिन हम इन करेले से आज एक रेसिपी भी बनाने वाले हैं। हम बनाएंगे करेले की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। तो चलिए चलते हैं, अब हम बना लेते हैं करेले की एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए ही कढ़ाई, और कढ़ाई को रखने के बाद गैस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, थोड़ी सी जो खड़ा धना होता है ना वो डालेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे राई। और जब ये थोड़ा सा चटक जाएगा उसमें फिर हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। तो अनियंस को मैंने थोड़े लंबे लंबे में काटा हुआ है और मैंने 2 से 3 अनियंस ली हुई थी। और अब इन अनियन को हमें अच्छे तरह से भूंज लेना है। इसको तब तक भूंजना है जब तक कि जो अनियंस का जो पानी है ना अच्छी तरह से सूख ना जाए। और इन सारी चीज़ों को करने में कम 10 मिनट का टाइम लग जाता है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे और अनियन ने जितना भी अनियन का जितना पानी निकला था ना वो सारा सूख चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर होता है वो ऐड कर देते हैं इसमें। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। जब मसाला अनियन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना तब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा इमली का पल्प। थोड़े सा मैंने इमली को सोख करके रखा था उसी का पल्प ऐड कर रही हूँ। इससे जो हमारे करेले होते हैं ना थोड़े से खट्टे मीठे से बनते हैं, उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा आता है। यदि आपके पास इमली का पल्प ना हो तो आप अमचूर पाउडर होता है इसमें आप 1 से 2 चम्मच करीब आप अमचूर पाउडर ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुड़, क्योंकि खट्टे मीठे करेले बनने वाले हैं तो खटास के लिए हमने इमली डाल दी, अब मिठास के लिए हम थोड़ा सा गुड़ डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच करीब गुड़ डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। थोड़ी देर में जो गुड़ होता है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे करेले। और करेले ऐड करने के बाद अब हम इस करेले को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए कितने यम्मी करेले दिख रहे हैं ना और कितने कम तेल में हमने इनको बना के तैयार किया है। और यही चीज़ यदि हमें करेले को यदि फ्राई करना रहता है तो कितना सारा ऑयल इसमें लग जाता है, लेकिन सिर्फ हमने 1 चम्मच ऑयल से हमने जो करेले हैं उनको कुक कर लिए हैं। और ये देखिए हमारी लाजवाब से करेले बन के तैयार है। मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। कम नमक ही लगता है क्योंकि करेले में हमने जो नमक लगा के रखा था ना उससे जो अंदर तक करेले में नमक चला जाता है, तो हमें उतना ही नमक ऐड करना रहता है जितना कि हमने अनियंस वगैरह डाले हैं। और ये देखिए हमारे लाजवाब से करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे पराठे के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये तो एक टाइप से करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसी से आप एक और टाइप से बना सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें ऐड करना है बेसन। तो मैंने ना थोड़ा सा बेसन को रोस्ट करके रखा था, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और इससे ये बेसन वाले करेले बनके तैयार हो जाते हैं। यदि आपको बेसन वाले करेले बनाना नहीं है तो आप वैसे अनियन वाले करेले ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि बेसन वाले बनाना है तो बस आपको इसमें भुना हुआ थोड़ा सा बेसन डालना है और ये बेसन वाले करेले हैं ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हो जल्दी तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बस आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।